सितारा सामने आने के लिए तत्पर रहता है। इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं अक्षय कुमार, जो हाल ही में बने गुड हार्ट एम्बेसडर। रविवार की सुबह अक्षय कुमार के दिन की शुरुआत हुई एक हार्ट संस्था के उद्घाटन से। सेहत का खास ख्याल रखने वाले अक्षय को चुना गया गुड हार्ट एम्बेसडर, और इस मौके पर दिल को चुस्त रखने के नुस्खे दिए खुद अक्षय ने। इर्रेगुलर हैबिट्स, सही टाइम पे नहीं खाना, स्ट्रेसफुल जिंदगी बिताना, ये सारी चीजें मिला के एक हार्ट अटैक पे प्रॉब्लम आ सकती है। आई थिंक इज द बेस्ट एग्जांपल कि इन स्पाइट ऑफ सच अ बिजी शेड्यूल, वो खुद इतना सब, इनकी जो डाइट है, स्ट्रेस बताया अभी बच्चों के साथ खेल के, हाउ इज ही मैनेजिंग एंड इज पॉजिटिव। सो आई थिंक इज अ परफेक्ट गुड हार्ट एम्बेसडर वन कैन हैव। बॉलीवुड के कई हस्तियों के दिल का इलाज कर चुकी प्रतीक्षा के लिए उनके सबसे सेहतमंद सितारे द्वारा एक नई संस्था की शुरुआत से बेहतर और क्या हो सकता था। मुंबई से ऋचा गौड़, एनडीटीवी इंडिया के लिए। Akshay Kumar is certainly the action man to beat all action men, and it turns out that pumping iron is in fact very good for the heart. Coming in late is out of fashion now. Early morning, an actor Akshay Kumar walked in not only to inaugurate a heart institute. As a good heart ambassador, the actor chipped in some useful tips to have a good heart. Irregular habits, sahi time pe nahi khana, स्ट्रेसफुल जिंदगी बिताना, ये सारी चीजें मिला के एक हार्ट अटैक पे प्रॉब्लम आ सकती है। आई थिंक इज द बेस्ट एग्जांपल कि इन स्पाइट ऑफ सच अ बिजी शेड्यूल, वो खुद इतना सब, इनकी जो डाइट है, स्ट्रेस बताया अभी बच्चों के साथ खेल के, हाउ इज ही मैनेजिंग एंड इज पॉजिटिव। सो आई थिंक इज अ परफेक्ट गुड हार्ट एम्बेसडर वन कैन हैव। Popular amongst the Bollywood crowd, it was a special day for Pratiksha to have her good heart ambassador do the honors. In Mumbai, Richa Gaur, NDTV 24/7. भारत में हर दिन करीब 2500 लोग हृदय बीमारी के शिकार होते हैं। इसके मद्देनजर अब इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील है। रविवार को मुंबई में इस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह के हाथों किया गया। पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ आ रही है जो कितनी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी। जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ बाईपास ऐसा होने वाला है। प्लस मेरे हिसाब से लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कितनी आबादी है और उसके हिसाब से कितने क्या कहते हैं कार्डियक अरेस्ट होते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ज़्यादातर सभी हॉस्पिटल्स सर्जरी और आफ्टर हार्ट अटैक के बाद ट्रीटमेंट के बारे में सोचती है। तो आज भारत में 2010 तक 60% कार्डियक केसेस होने वाले हैं। तो ये सेंटर की विशेषता ये है कि हमें इस जो महामारी, जो एपिडेमिक है, उसको रोकना है। तो हम यहाँ पूरा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि नॉन सर्जिकल कार्डियक ट्रीटमेंट्स, कि आज 90% लोगों को सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं होती है, और 100% लोगों को जो मेंटल फिजिकल ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, वो अफोर्ड नहीं होता है। तो आज यहाँ ये सेंटर की विशेषता है कि महाराष्ट्र का पहला ईईसीपी इक्विपमेंट जो है, जो नेचुरल बाईपास क्रिएट करता है। अभी तक यूएस में 700 सेंटर्स में है। ये लेटेस्ट टेक्निक है जो लास्ट 1990 से 10 ईयर्स से एकदम ही फास्ट स्प्रेड हो रही है। तो ये पहला सेंटर है महाराष्ट्र का जहां हमने ये इक्विपमेंट को यूएस से इंपोर्ट करके इंट्रोड्यूस किया है।
लगातार धकाधकीच्या जीवनात लोकांना हृदय विकार जडण्याचं प्रमाण कमालीचं वाढलंय. स्वतःच्या प्रकृतीची अक्षम्य हेळसांड हे यामागचं प्रमुख कारण आहे. यावरती आतापर्यंत उपाय होता तो बायपास या महागड्या उपचार पद्धतीचा. मात्र आता ईईपीसी उपचार पद्धतीद्वारे हृदय विकारावरती स्वस्तात उपचार करता येणार आहे. या उपचार पद्धतीमुळे शस्त्रक्रिया विरहित उपचारांद्वारे हृदय विकार बरा होऊ शकतो. हृदय विकाराशी संबंधित अशा प्रकारची अति अद्ययावत यंत्रणा महाराष्ट्रात प्रथमच डॉक्टर प्रतीक्षा नामजोशी यांच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह कार्डिओलॉजी या रुग्णालयात राबवली जाणार आहे. ईईपीसी उपचार पद्धतीमुळे सध्या बायपास शस्त्रक्रियेसाठी होणारा खर्च 90% कमी होणार आहे. तर आम्ही इथे ईईसीपी म्हणून एक नवीन यंत्र अमेरिकेतून इम्पोर्ट केलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये नॅचरल बायपास अशी क्रिएट होते आणि 90% लोकांना बायपासची गरज लागत नाही. म्हणजे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा केमिकल नाही, कुठल्याही शारीरिक किंवा मानसिक वेदना नाही. जसं आपण बघतोय ते हसत खेळत 35 सिटिंग मध्ये प्रत्येक दिवसाला फक्त 1 तासामध्ये ही ट्रीटमेंट दिली जाते.